सो नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का ग्लोरीज बाय रिया में एक बार फिर से स्वागत है। सो दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो आप सभी के मुंह पे ऑलरेडी चढ़ा हुआ है। उसकी वजह से लॉकडाउन्स हो चुके हैं 75 सिटीज़ में, दिल्ली को मिला के सब जगह, मुंबई हर जगह लॉकडाउन हो चुका है। सो दोस्तों, कोरोना वायरस के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। और आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस चीन से आया है, यानी चाइना से आया है। और लोगों का कहना है कि कुछ लोगों का कहना है कि वो मैन मेड है, कुछ का कहना है कि वो चमगादड़ यानी कि जो बैट है उन लोगों के खाने से ये जो संक्रमण है ये वायरस फैला है। सो हम लोग इसके बारे में यहाँ पे कोई भी क्या बोलते हैं आपत्तिजनक कुछ भी हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है। सो गाइज, आज मैं आप सभी को यहाँ पे 5 टिप्स देने वाली हूँ, 5 टिप्स जिनके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आप अपने आप को कोरोना वायरस से कैसे सेफ रख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग उन 5 टिप्स को जल्दी से देख लेते हैं। तो हमारी जो टिप नंबर 1 है वो है वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली एंड वॉश योर हैंड्स ऑफनली। इसका मतलब होता है कि आप सभी को एटलीस्ट हर घंटे अपना एक बार अपने हाथों को धोना चाहिए, और एटलीस्ट आपको 1.5 मिनट के लिए आपको अपने हाथ धोने हैं। और हाथों को धोने की जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे धोना है। सबसे पहले आपका जो भी फेवरेट हैंड वॉश या फिर सोप है उसे आप हाथों में ऐसे, सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन आपकी ये होनी चाहिए, उसके बाद अपने दोनों हाथों से आपको अपने बैक में एंड वाइस वर्सा आपको इधर भी इस हाथ में भी करना है। देन उसके बाद जो आपकी फिंगर टिप्स होती हैं उससे आपको अपने फिंगर टिप्स को भी, अपने नेल्स को भी अच्छी तरीके से वॉश करना है। देन आपका थंब एंड थंब फिंगर्स के बीच में जो गैप होता है उसे भी आपको अच्छी तरीके से ऐसे रब करना है। एंड इस तरीके से आपका जो पूरा हाथ है वो अच्छी तरीके से वॉश हो जाएगा। अगर हो सके तो आप जो आपके क्यूटिकल्स होते हैं इसे भी अच्छी तरीके से आप रगड़ लें, और इस तरीके से आपका जो हैंड वॉश है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। एंड आई होप कि आप लोग हैंड वॉश पे काफ़ी ध्यान दे रहे होंगे। ले देखते हैं हमारी नेक्स्ट टिप। तो गाइज, हमारी जो सेकंड टिप है वो सेकंड टिप कुछ ऐसे है कि प्लीज़ यूज़ हैंड सैनिटाइजर्स। और ये जो है ये एल्विया कंपनी का है, एंड दिस इज़ इसमें कहा गया है जो इसोप्रोपाइल अल्कोहल है वो 70% है। तो गाइज, आपकी मर्जी है, अगर आपको एल्विया कंपनी का मिल जाता है सो वेल एंड गुड, अदरवाइज नहीं मिलता तो डेटॉल इज़ बेस्ट। और मुझे एल्विया मिल रहा था सो आई थॉट कि मैं इसे ही खरीद लूँ। 60 ml की बॉटल है ये, आई होप आप सभी को दिख रही होगी। सो इफ नहीं दिख रही है तो कोई इशू नहीं है, आप लोग केमिस्ट से जाके ले लीजिए। लेकिन उसके लिए भी आपको कुछ टाइम है, बिकॉज लॉकडाउन हो चुका है तो सिर्फ आप 12 से 2 के बीच में जा सकते हैं केमिस्ट से कुछ भी लेने। प्लीज़ सिर्फ घर का एक ही मेंबर जाइए और जाकर एलिविया कंपनी या फिर डिटॉल कंपनी का आप यहाँ पे सैनिटाइजर लेके आ सकते हैं। एंड प्लीज़ जब भी आपके घर में कोई इनकेस अगर आ रहा है, वैसे तो हमने मेड को भी छुट्टी दे दी है इफ़ वो आ रही है, सो जस्ट प्लीज़ उसे भी आप सैनिटाइज करवाएं। अगर आपके यहाँ पे कोई पार्सल आ रहा है उसे भी सैनिटाइज करवाएं, बर्तनों को भी आप अच्छे तरीके से धोएं ताकि वो अपने आप सैनिटाइज हो जाए, और हाथों को बिल्कुल हमेशा इस तरीके से आप सैनिटाइज करते रहिए। आप देख सकते हैं सैनिटाइजर है हमारे पास, एंड उसके यूज़ से हम अपने हाथों को अभी यहीं पे ही सैनिटाइज करने वाले हैं, बिकॉज वी डोंट नो कि कहाँ पे जर्म हो सकता है, कहीं पे भी जर्म हो सकते हैं। सो आर हैंड्स आर सैनिटाइज एंड बहुत अच्छे तरीके से सैनिटाइज हो चुका है। चलिए देखते हैं हमारी थर्ड टिप। गाइस, हमारी जो थर्ड टिप है यानी कि तीसरी जो टिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को सबसे पहले मास्क परचेज करना है। इफ़ आप घर में मेंबर 2 हैं तो 2 मास्क ले लीजिए, इफ़ आप 4 हैं तो प्लीज़ 4 मास्क आप ले लीजिए। एंड आई प्रेफर कि सर्जिकल मास्क ना लेके आप ब्लैक वाले मास्क लें, बिकॉज उसे आप वॉश करके एंड देन रीयूज़ कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप सर्जिकल मास्क को यूज़ करेंगे एंड उसे फेंकेंगे तो जो डॉग हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, वो उसे खा सकते हैं, और स्ट्रीट डॉग्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। सो गाइज, प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसे मास्क खरीदिए, चाहे वो 20 से 30 रुपए का ही क्यों ना हो, बस आप ऐसे मास्क लीजिए जिसे आप वॉश करके दोबारा से यूज़ कर सके। बिकॉज 12 से 2 का टाइम जो है वो हमें गवर्नमेंट ने दिया हुआ है कि हम जाके कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन फैमिली का सिर्फ एक मेंबर जाना चाहिए, और कहीं पे भी 5 लोगों का जो झुंड कहते हैं जिसे झुंड नहीं बनना चाहिए। सो गाइज, प्लीज़ इस बात को बहुत मद्देनज़र रखते हुए आप सबसे पहले मास्क खरीदें। घर में है तो घर में हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपके यहाँ कोई सिक है, किसी
किसी को नॉर्मल स्नीजिंग या फिर कुछ भी खांसी कोल्ड कफ हो रहा है तो आप उसके लिए मास्क जरूर ले आइए ताकि वो घर में भी मास्क को जरूर पहन सके। तो चलिए देखते हैं हमारी फोर्थ टिप। सो गाइस, हमारी जो फोर्थ टिप है वो कुछ ऐसे है कि अगर आपको खांसी हो रही है, अगर आपको छींक लगी हुई है या कुछ भी है, सो गाइस प्लीज़ हर चीज़, हर छींक, हर खांसी कोरोना वायरस नहीं हो सकती। बिकॉज अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री रही है और अभी विद इन 10 डेज आप कहीं से लौटे हैं, सो हाँ हो सकता है कि सिम्टम्स हों, लेकिन अगर आप नहीं लौटे हैं तो प्लीज़ डोंट वरी। और प्लीज़ ऐसा कुछ भी वायरल मत करिए कि यार छींक दिया तो ओ माय गॉड और ऐसे वैसे ये वो, ये सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री जिसकी रही है उसे दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए अगर आपको छींक आती है तो प्लीज़ या तो अगर आपके पास हैंकी है तो हैंकी से कवर कर लीजिए, अदरवाइज़ नहीं है तो प्लीज़ डोंट यूज़ योर हैंड बिकॉज उसमें भी जर्म हो जाएंगे, अंदर आपको छूओगे तो उसमें भी जर्म हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि जब भी आप छींक रहे हो तो प्लीज़ अपने फेस को ऐसे कवर कर लीजिए, अपनी एल्बो के इनर पार्ट से कवर कर लीजिए ताकि आपको जब भी छींक आए तो एटलीस्ट आप अपने आप को और अपनी फैमिली मेम्बर्स को तो बचा ही सकते हैं गाइज। सो चले देखते हैं हमारी फिफ्थ टिप। सो गाइज, हमारी जो फिफ्थ टिप है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जनता और गवर्नमेंट और सभी लोग कह रहे हैं, जिनके पास सेंस है वो खुद अपने आप को घर में क्वारंटाइन करके रखेंगे, अपने आप को होम आइसोलेशन में रखेंगे, ना कि पागलों की तरह बाहर घूमेंगे। तो इसीलिए प्लीज़ घर में ही रहिए और पागलों की तरह बाहर ना तो घूमने दीजिए और ना ही घूमिए। बिकॉज ऐसे क्या हो रहा है कि गाइज आप लोग कोरोना वायरस को चैलेंज कर रहे हो एंड दैट्स नॉट गुड। आप देख सकते हैं इटली में कल भी 650 के आसपास डेथ्स हुई है एंड आई डोंट थिंक सो कि इंडिया में भी ऐसा कुछ होना चाहिए। और इसके जो नागरिक हैं, इंडिया के नागरिक सिर्फ आप लोग हैं और आप ही इस चीज़ को संभाल सकते हैं, आप ही इस चीज़ को रोक सकते हैं। अगर हम लोग ये चेन ब्रेक कर देंगे तो कोरोना वायरस जो है वो अपने आप ही फैलना बंद हो जाएगा गाइज, बिकॉज अभी गर्मियाँ इतनी नहीं आ रही हैं और इटली का जो वेदर है वो ह्यूमिडिटी वाला है, थोड़ा सा चिल्ड वेदर है वहाँ का। और यहाँ पे भी जो है अब फ्यूचर फॉरकास्ट में ये दिखा रहा है कि यहाँ पे भी बारिश होने वाली है। सो गाइज प्लीज़ अगर हो सके तो घर में रहिए, और अगर आप में से किसी को बाहर जाना है कुछ नेसेसरी नीड्स के लिए, लाइक आपको कुछ भी दवाइयाँ चाहिए, कुछ खाने को चाहिए, तो प्लीज़ आप में से सिर्फ एक बंदा जाए, अकेले जाए, मास्क पहन के जाए, सैनिटाइज़र लेके जाए। वैसे तो आजकल हर शॉप में सैनिटाइज़र होता है, इफ़ नहीं होता तो प्लीज़ उनका भी हाथ सैनिटाइज़ कराओ और उन्हें दो चीज़ समझा के हो कि यार सैनिटाइजेशन करवा लो। बिकॉज अगर पिज़्ज़ा हट जा रहे हैं या कहीं भी बैंक जा रहे हैं या कहीं भी किसी भी ऑफिस जा रहे हैं तो वहाँ पे इतना बड़ा सैनिटाइज़र की बॉटल रखी है, दे से पहले सैनिटाइज़ कीजिए उसके बाद हमसे बात कीजिए। सो गाइज उन्हें तक इतनी शर्म है तो यार हम लोग क्यों नहीं कर सकते। और प्लीज़ आप लोग मेरी बातों को सीरियसली लें और आपके लिए ही मैं बोल रही हूँ। सो गाइज प्लीज़ मेरे इन्हीं सब टिप्स को जरूर 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 से अपनाएं। सो गाइज हमारी आज की वीडियो जो थी वो सिर्फ इसी बारे में थी, इस रिगार्डिंग थी कि कोरोना वायरस को स्प्रेड होने से हम कैसे रोक सकते हैं। सो आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ आ गई होगी। मैं आज आपको ये नहीं बोलूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज आज का जो मेरा मोटिव था वो मेरे चैनल को व्यूज़ दिलाना है, सब्सक्राइब करना नहीं था, मुझे अपने दिल की बात कहनी थी और वो मैंने कह दी। सो चले मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन प्लीज़ बी एट होम, स्टे सेफ। अगर आप अपनी रक्षा करेंगे तो प्लीज़ सभी की रक्षा अपने आप हो जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों अपने घर पे रहिए और अपनी सुरक्षा ज़रूर करिए। यार आप लोग एक्टर्स से, टीवी फिल्म स्टार से, इन सभी से आप लोग इंस्पिरेशन ले सकते हो। दे आर एट होम और वो लोग घर पे योगा कर रहे हैं, कोई जिम उन्होंने अपने घर पे ही अपना जिम बनाया हुआ है, तो यार हम लोग नहीं कर सकते क्या? मीन्स लाइक हमारे पास जिम इक्विपमेंट्स नहीं है, दैट डजंट मीन कि हम लोग घर पे वर्कआउट नहीं कर सकते। यार घर पे रहो, मजे मारो, अपनी फैमिली के साथ गपशप करो। सो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय और स्टे सेफ, बी एट होम, कोरोना वायरस को भगाओ, बाय बाय।